ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जीवन का निर्माण शारीरिक इंद्रियां, मस्तिष्क और पुनर्जन्म लेती आत्मा से हुआ है। आयुर्वेद जीवन का सबसे पवित्र विज्ञान है, जिसका लाभ केवल मानव जाति को ही नहीं बल्कि चराचर जगत के समस्त प्राणियों और देवताओं तक को भी प्राप्त है। भारत हजारों वर्ष पहले जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ, यहां के ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक विज्ञान की खोज की, उसे विकसित और सिद्ध कर मानव जाति के कल्याण हेतु उसका प्रचार प्रसार भी किया। आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मूल भी। ये विज्ञान जीवन के संतुलन को पुनर्स्थापित कर आरोग्य प्रदान करता है। आयुर्वेद भारत का गौरवशाली धरोहर होने के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम जीवन की कुंजी भी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों का समुच्चय पंच महाभूत कहलाता है। प्राचीन आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार जड़ से लेकर चेतन और स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सबका निर्माण इन्हीं पांच तत्वों के सम्मिलन से होता है। इन्हीं पांच तत्वों के संयोग से जीवन की भी उत्पत्ति होती है। मानव शरीर का निर्माण सप्त धातु से होता है और सप्त धातु भी इन्हीं पांच तत्वों से बनते हैं। शरीर की कार्य कुशलता नियमित रूप से संचालित ऊर्जा पर निर्भर है। हमारे शरीर के सात चक्र ऊर्जा को संतुलित कर जीवन को आनंदमय बनाते हैं। इन सात चक्रों के अपने अपने विशिष्ट गुण हैं और प्रत्येक चक्र जीवन काल के अनुसार कार्य कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में करीब 2 लाख औषधीय प्रजाति हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करते हैं। वहीं एलोपैथ चिकित्सा पद्धति में केवल 4000 सूत्र हैं। आयुर्वेद वनस्पतियों के नैसर्गिक औषधीय गुणों का सदुपयोग करता है। विश्व के हर वस्तु में औषधीय गुण है, अतः ये जानना आवश्यक है कि उन्हें प्रयोग में कैसे लाया जाए। आधुनिक परिवेश में आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज पौराणिक भारतीय औषधीय प्रणालियों और आयुर्वेदिक औषधियों पर निवेश करने की बहुत आवश्यकता है। अगर इस पर सुचारू रूप से कार्य किया जाए तो भारत के सर्वशक्तिमान बनने के स्वप्न को और भी बल मिलेगा। और पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात आती है तब भारत का या एशियन देशों का जो चिकित्सा की परंपरा है उसका तवज्जो बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है। अब ये हम लोगों पर है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। लोग चाहते हैं इस बदलाव को, हम इस बदलाव को किस प्रकार से एक वैश्विक रूप दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि एशियन कंट्रीज में आयुर्वेद जो परिचित है उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन का हिस्सा बनाने की संभावना है। और इससे 2 निहित लाभ तुरंत मिलते हैं। एक, हम जो आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन करते हैं उसको एक ग्लोबल मार्केट मिलता है। और दूसरा, आयुर्वेद क्षेत्र में हमारे जो नौजवान पढ़ लिख करके डॉक्टर बनते हैं उनके लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान को सहयोग और प्रोत्साहन देने में गुजरात विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। गुजरात राज्य में 11 आयुर्वेद कॉलेजेस हैं,
विश्व का सर्वप्रथम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जहां 23 विभिन्न देशों के 200 से भी अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी गुजरात के जामनगर शहर में स्थित है और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा है। ये यूनिवर्सिटी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग में की जाने वाली कई प्रकार के शोध कार्यों का केंद्र भी है। वर्तमान में यहाँ प्राचीन आयुर्वेद हस्तलिपियों को तकनीकी रूप से अंकीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले दशक से ही आयुर्वेद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात ने आयुर्वेदिक अस्पतालों और चिकित्सालयों का एक अत्यंत कार्यकुशल तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत राज्य भर में रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध है। गुजरात में औषधीय गुण वाले वनस्पतियों का बाग भी विकसित किया गया है, जहां दुर्लभ और लुप्त प्राय जड़ी बूटियों को उगाकर आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान के लिए नई दवाइयां तैयार की जाती है। CCIM नियमों और आदर्शों के आधार पर गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर जिला के कोलौडा में एक अत्याधुनिक और पूर्णतया वातानुकूलित मॉडल आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉलेज में 14 शिक्षण विभाग होंगे। लोक हित में गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में 13 आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। दाहोद और राजपिपला जैसे पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद शिक्षण और स्वास्थ्य सेवा को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। आयुर्वेद शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से समर्पित है। लोक कल्याण के लिए इस प्राचीन भारतीय औषधीय प्रणाली को विभिन्न माध्यमों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आयुर्वेद को सुरक्षित और विकसित किया जा सके। निकट भविष्य में गुजरात को आयुर्वेद पर्यटन केंद्र और भव्य स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा और सुविधा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। आयुर्वेद के विकास और प्रोत्साहन में उत्तम साधनों को विनियोजित करने के लिए गुजरात सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। विश्व भर में आयुर्वेद को एक प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। आज आयुर्वेद के विभिन्न उपचार पद्धतियां जैसे आयुर्वेदिक मसाज, हर्बल थेरेपी, योगा इत्यादि विश्व भर में लोकप्रिय होते जा रहे हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उद्योग में एक विशाल रूप धारण कर रहे हैं। आयुर्वेद को उसका यथोचित स्थान दिलाने के प्रयास में गुजरात सरकार ने आयुर्वेद विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उत्पादकों और चिकित्सकों को एक मंच पर एकत्रित किया है। वाइब्रेंट गुजरात नेशनल आयुर्वेद समिट, आयुर्वेद को अग्रसर बनाने का ये एक दूरदर्शी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से स्वस्थ और बेहतर जीवन के लिए आयुर्वेद की उपयोगिता को उजागर किया जाएगा। आयुर्वेद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का ये एक सशक्त कदम है। ये सम्मेलन आयुर्वेद को विश्वव्यापी स्थापित करने का एक मंच है, जहां चर्चा और विचार मंथन करके आयुर्वेद और स्वास्थ्य के सुनहरे भविष्य का पथ निर्माण किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रमुख आयुर्वेद संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। वाइब्रेंट गुजरात नेशनल आयुर्वेद समिट विश्व का संभवतः सबसे बड़ा आयुर्वेद सभा है और अपने आकार, विषय इत्यादि के कारण सबसे अनूठा भी है। इस सम्मेलन को गुजरात सरकार एवं अन्य प्रमुख संस्थाओं का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त है। आयुर्वेदिक उद्योग और उससे संबंधित सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में व्यावसायिक लाभ भी प्रचुर मात्रा में है। वाइब्रेंट गुजरात नेशनल आयुर्वेद समिट 2014 में 5000 वर्ष पुरानी विज्ञान आयुर्वेद को एक शानदार स्थान प्राप्त होगा, जिसमें उसके अद्भुत सामर्थ्य और आकर्षक संभावनाओं पर
गहन विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे विश्वास है मित्रों कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का पूरे दुनिया के अंदर युग शुरू हुआ है, उसका अगर लाभ हम उठा सकते हैं, विश्व जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना पड़ेगा, और फिर फ्रॉम नोन टू अननोन, जिसे वो जानता है वहीं से शुरू करते हुए, जो वो नहीं जानता है हम जानते हैं वहां तक खींच करके लाना, ये हम सब का दायित्व है। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे,